हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामपीडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नेम है उन्नति टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप क्लास 8th, 9th और 10th के लिए है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा और ITI कर रहे हैं उनके लिए भी यह स्कॉलरशिप है। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँगा। तो पहला जो स्कॉलरशिप रहेगा वो रहेगा हमारे स्कूली स्टूडेंट्स के बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो उसका नेम है उन्नति टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर स्कॉलरशिप फॉर स्कूली स्टूडेंट्स, यानी क्लास 8th, 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके डिटेल्स के बारे में आइए जानते हैं कि क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में अब बात करते हैं। तो डिटेल्स के बारे में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह स्कॉलरशिप ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रेसिडेंस यानी निवास नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में है, यानी कि जो नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव के निवासी स्टूडेंट्स हैं वही इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 8th, 9th और 10th में अभी स्टडी कर रहे हैं करंटली, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 8th पढ़कर पढ़ना छोड़ दिया था तो आप इसमें इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपके फैमिली का एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज से कम होना चाहिए। और उसके बाद दो और कंसिडरेशन है कि पहला कंसिडरेशन है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेरेंट्स जनवरी 2020 के बाद खो दिया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके फैमिली मेंबर्स, गार्जियन या पेरेंट्स जो जनवरी 2020 के बाद अपना जॉब खो दिया है, यानी जिन्होंने अपना जॉब लॉस्ट कर दिया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके बच्चे। ओके, और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में 12,000 रुपये एवरी ईयर एवरी स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। अगर आप क्लास 8th में तो आपको 3 ईयर्स मिलेंगे 8th, 9th और 10th के लिए। अगर आप 9th में तो आपको 2 ईयर्स के लिए मिलेंगे 12,000 रुपये 9th और 10th में। अगर आप 10th में तो आपको 1 साल ही 12,000 रुपये मिलेंगे। और यह स्कॉलरशिप आपको बेसिकली दिया जा रहा है आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारे खर्चों के लिए, जैसे कि ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, इंटरनेट, बुक्स, ऑनलाइन लर्निंग एक्सेट्रा, इस सब चीज़ों के लिए दिया जा रहा है। तो इस स्कॉलरशिप में आइए आप जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो नंबर वन तो लगेगा आपको मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी पिछले क्लास का आपको मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जो गवर्नमेंट इशू, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। एज ए नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए आपके पास तो मेनली आधार कार्ड ही अवेलेबल होगा, तो आप आधार कार्ड नॉर्मली डाल सकते हो क्योंकि यह बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, सभी के पास रहता भी है। दूसरा बात करें तो इसमें आपको एडमिशन प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि आपका फी रिसिप्ट हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। तो आपके पास तो दो चीज़ें इसमें से जरूर ही अवेलेबल होगा, जैसे कि फी रिसिप्ट हो गया और उसके बाद इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा ही होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं जो एवरी स्टूडेंट्स के पास इजिली अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको क्राइसिस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका पेरेंट्स का डेथ हो गया, आपने पेरेंट लॉस किया, तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। और दूसरा है कि आपको अगर आपके पेरेंट्स ने जॉब लॉस्ट किया यानी अपना जॉब खो दिया है, तो आपको उन जॉब खोने का वो प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपका आपको सारा बैंक अकाउंट्स डिटेल्स ऐड कर देनी है, और उसके बाद आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा, और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट है कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 तक है। इसमें अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट ही अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद मैं दूसरे स्कॉलरशिप की बात करूं जो कि ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसके डिटेल्स के बारे में आइए जानते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। नंबर वन तो वही है कि नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव के आप निवासी और रेसिडेंस होने चाहिए। उसके बाद आप अपने डिप्लोमा या ITI प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो उस समय। उसके बाद है कि आप अपना एजुकेशन कंटिन्यूसली कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दी और फिर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं मिलने वाला है। आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे आपको डिप्लोमा या ITI के फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है कि आपका फैमिली एनुअल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, और फिर दो कंडीशन है, वही है कि आप अगर आपने अपना पेरेंट्स खो दिया है जनवरी 2022 के बाद 2020 के बाद, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर अगर आपके फैमिली या पेरेंट्स गार्जियन ने अपना जॉब लॉस्ट कर दिया है यानी खो दिया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात करें तो यह आपको 2 साल के लिए 18,000 रुपये मिलने वाले हैं, यानी टोटल 2 ईयर्स में आपको 36,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत। इस स्कॉलरशिप का भी जो अमाउंट है वो भी आपको उस लिए दिया जा रहा है, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जा रहा है, यानी कि आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस स्कॉलरशिप का यूज करने वाले हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें भी पहले आपको वही प्रीवियस क्लास और सेमेस्टर का मार्कशीट देना होगा, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। तो मैं आपको आधार कार्ड आप इजीली डाल सकते हैं क्योंकि यह सबके पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद आपको करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, फी रिसिप्ट, एडमिशन फी, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आइडेंटी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आप इजीली अपना फी रिसिप्ट डाल दीजिए या फिर आइडेंटी कार्ड डाल दीजिए, अवेलेबल होगा आपके पास। उसके बाद आपको क्राइसिस डॉक्यूमेंट्स डालने, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स और या प्रूफ ऑफ जॉब लॉस, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगा आपके पास तो आप इसका डाल सकते हैं। और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिएगा और अपना फोटो डाल दीजिएगा। आप अपना बैंक अकाउंट आप खुद का भी डाल सकते हैं, अगर आपका खुद का नहीं तो आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 तक है, तो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।